अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। हेलो, आई एम कुलदीप नामदेव और इस लेक्चर के थ्रू हम बात करेंगे सेक्शन ऑफ सॉलिड की, कि सेक्शन ऑफ सॉलिड होता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी मेथड्स क्या है, यानी कि सेक्शनिंग के कितने टाइप्स हैं। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर ये लेक्चर आपको समझ में आएगा पूरा शुरू से आखिरी तक, तो इसके जो भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करने वाले हैं बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो ये लेक्चर जो आप देख रहे हैं इसको आप पूरा देखिए शुरू से आखिरी तक, ताकि एक भी डाउट इसमें नहीं रहे और जितने भी न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे वो आसानी से आप बिल्कुल एक बार में समझ के सॉल्व कर सकें। अब बात करते हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड होता क्या है। मैनी सॉलिड्स आर डिफरेंट एक्सटर्नली एंड इंटरनली, यानी कि बहुत सारे सॉलिड ऐसे होते हैं, ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बाहर में दिखने में कुछ और होते हैं, अंदर से उसका कंस्ट्रक्शन कुछ और तरीके का होता है। तो हम करते क्या है, इन इंजीनियरिंग ड्राइंग इन द नॉर्मल प्रैक्टिस ओनली एक्सटर्नल व्यूज आर ड्रॉन। जनरली आपने अभी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, आपने व्यूज तैयार किए होंगे, तो आपने कैसे तैयार किए, आपने बस बाहर का स्ट्रक्चर उसका देखा, यानी कि बाहर का कंस्ट्रक्शन डिटेल देखा, उसके बेसिस पे आपने इसके फ्रंट और टॉप व्यूज को तैयार कर लिया। यानी कि आपको बस एक्सटर्नल पोर्शन की, यानी कि बाहरी पोर्शन की इंफॉर्मेशन मिल रही है, किसमें, फ्रंट और टॉप व्यू में। मगर मैं कहूं कि अंदर से तो उसका कंस्ट्रक्शन अलग तरीके से, उसका पार्ट अलग है, तो फिर क्या करोगे, तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, उसको कट करना होगा एक सूटेबल प्लेन से, और कट करने के बाद फिर उसके फ्रंट ऑफ टॉप व्यू को मुझे ड्रॉ करना होगा, तब मुझे अंदर की जो डिटेल्स होंगी वो मिलेंगी फ्रंट और टॉप व्यूज में। तो वही चीज मुझे करने वाले हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आगे है, टू नो द सॉलिड इंटरनल कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स इट हैज टू बी कट एंड देन व्यूज विल बी ड्रॉन। जैसे कि राइट साइड में आप फिगर देख रहे हैं, ये कोई 3D ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, दो ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं। अगर मैं इसका फ्रंट और टॉप व्यू तैयार करता हूं इस ऑब्जेक्ट का, तो मुझे बस एक्सटर्नल डिटेल्स मिलेंगी इसके कंस्ट्रक्शन की। मगर मैं बात करूं अंदर में दिखने में कैसा है, अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसा है, अगर वो मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे इसे काटना पड़ेगा, यानी कि इसकी सेक्शनिंग करनी होगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां से ऊपर से कट कर रहा हूं, इसको दो हाफ में कन्वर्ट कर रहा हूं, आधा हिस्सा पीछे आधा हिस्सा आगे, यानी कि दो हाफ में इसे कट किया मैंने, इसको भी टू हाफ में कट किया। अब मैंने क्या किया, आगे वाले हाफ को मैंने हटा दिया, यानी आगे वाले पोर्शन को हटा दिया, तो दिखने में कैसा लगेगा, नीचे आप देख पाए ये पार्ट मुझे ऐसा नजर आएगा। फ्रंट व्यू की बात करूं तो ये वाला पार्ट मुझे ऐसा नजर आएगा इन फ्रंट व्यू, जब मैंने इसके आधे पोर्शन को कट किया और आगे वाले पोर्शन को हटा दिया। तो फ्रंट व्यू तैयार करूंगा, फ्रंट व्यू मुझे ऐसा दिखेगा, और इसका टॉप व्यू देखूंगा, यानी कि इसको ऊपर से देखूंगा, तो मुझे ये ऑब्जेक्ट ऐसा नजर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है, इसका फ्रंट व्यू देखूंगा काटने के बाद, मुझे ये नजर आएगा। यानी कि मुझे करना क्या होगा, आगे वाले हिस्से को हटा देना होगा ऑब्जेक्ट से, पीछे वाले हिस्से को मुझे कंसिडर करना है, तो ये मुझे ऐसा नजर आएगा, और टॉप व्यू यानी कि इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे ये नजर आएगा। देखिए आप, देखिए ये आपको होल दिख रहा है, ये होल ये है, ये होल ये है, ये इसकी एक्सिस है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है अंदर का, आप देख सकते हैं ये भी सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो अंदर की डिटेल्स मुझे अगर लेनी है किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की, तो मुझे क्या करना होगा, पहले इसको कट करना होगा एक सूटेबल प्लेन से। कटिंग प्लेन भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग पोजिशन होती है, जो डिटेल अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फिर उसके बाद हम इसके पोजीशंस ड्रॉ करेंगे, फ्रंट और टॉप व्यू तैयार करेंगे, जरूरत पड़े तो साइड व्यू भी तैयार कर सकते हैं, जिससे कि अपन को इंटरनल डिटेल्स इसकी मिल सके। दिस कटिंग ऑफ द सॉलिड टू नो द इंटरनल डिटेल्स इज कॉल्ड सेक्शन ऑफ सॉलिड, जैसे कि आप समझ चुके हैं। व्यूज ड्रॉन आफ्टर सेक्शनिंग आर कॉल्ड सेक्शनल व्यूज, यानी कि सेक्शनिंग करने के बाद जो मुझे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू तैयार हो रहा है ना, इन व्यूज को मैं कहूंगा सेक्शनल व्यू, ठीक है, क्योंकि काटने के बाद मैंने इसके व्यूज तैयार किए, तो फिर मैं कहूंगा सेक्शनल व्यूज। कटिंग ऑफ द सॉलिड्स इन दीज व्यूज इज शोन बाय सेक्शन लाइंस, ओके। बात करते हैं आगे। अब इस स्लाइड से हम ये जानेंगे कि अभी सेक्शन मैंने की थी, वो तो एक तरीका मैंने बताया था, मैंने जस्ट हाफ, दो हाफ में इसको काट लिया था ऑब्जेक्ट को, मगर ऐसा नहीं है, यहाँ पे अपने पास अलग अलग तरीके हैं उस ऑब्जेक्ट को कट करने के, यानी कि उसकी सेक्शनिंग करने के। याद रखिए टॉपिक का नाम क्या है, सेक्शन ऑफ सॉलिड, यानी कर क्या रहे हैं, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की सेक्शनिंग कर रहे हैं, यानी कि उसका विभाजन कर रहे हैं, यानी कि उसकी कटिंग कर रहे हैं, और काटने के बाद जो ऑब्जेक्ट रिमेनिंग होगा उसका हम प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि उसके व्यूज तैयार कर रहे हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, लाइक दिस। तो बात करते हैं कटिंग करने के, यानी कि किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को काटने के अपने पास कितने तरीके हैं,
यानी कि किन किन तरीके से उसको हम कट कर सकते हैं। ये पांचों के पांचों तरीके ऐसे हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर ये तरीके आप सीख गए, ये मेथड्स आप सीख गए, तो मेरे हिसाब से इजीली किसी भी क्वेश्चन को आप रीड करके बना सकते हैं। तो बात करते हैं क्या क्या तरीके हैं सेक्शनिंग के। पहला है सेक्शन ऑफ सॉलिड्स बाय हॉरिजॉन्टल प्लेन पैरेलल टू एचपी, इसको हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन भी कहते हैं। दूसरा है सेक्शन ऑफ सॉलिड्स बाय वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू वीपी, मैं आगे डेप्थ में समझाऊंगा इन सब चीजों को, इसे वर्टिकल सेक्शन प्लेन भी कहते हैं। सेक्शन ऑफ सॉलिड्स बाय ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन, जिसे एआईपी शॉर्ट में कहते हैं, ऑक्सिलरी एआईपी। ओके, आई थिंक आपको याद हो गया होगा। इसमें जो सेक्शन प्लेन होता है वो एचपी से किसी एंगल पे इंक्लाइंड होता है और सेक्शन प्लेन वीपी से परपेंडिकुलर होता है। अगला है सेक्शन ऑफ सॉलिड्स बाय एन ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन्स, इसे शॉर्ट में कहते हैं एवीपी। ओके, इसमें क्या होता है सेक्शन प्लेन होता है, यानी कि जो सेक्शन प्लेन मतलब क्या है, कटिंग प्लेन कह सकते हैं, कटर। अब मैं आपको आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा कटिंग मुझे कैसे करनी है, ठीक है, उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसमें जो सेक्शन प्लेन होगा क्या होगा, वीपी से किसी एंगल पे होगा और एचपी से कटिंग प्लेन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। पांचवा है सेक्शन और सॉलिड्स बाय प्रोफाइल प्लेन, यानी कि ऐसा प्लेन जो एचपी वीपी दोनों से परपेंडिकुलर है। अब स्टेप बाय स्टेप हम किसी फिगर के थ्रू इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, पहला जो कटिंग पोजिशन है वो है सेक्शन ऑफ सॉलिड्स बाय हॉरिजॉन्टल प्लेन पैरेलल टू वीपी, सॉरी पैरेलल टू एचपी, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन। इस प्लेन की खासियत क्या, देखिए यहाँ पे वीपी है, यहाँ पे एचपी है, कंफ्यूज नहीं होना, ये 3D फिगर है। ये जो प्लेन है ये सेक्शन प्लेन है, यह कह सकते हैं कटिंग प्लेन है, और आसान शब्दों में कहें कटर है, क्या है, ब्लेड है। ये ब्लेड जहां से भी पास होगी ऑब्जेक्ट को काट देगी। तो ये ब्लेड की पोजिशन क्या है, यही इंपॉर्टेंट है, सब चीज वही है, काटना अपन को ऑब्जेक्ट को है, मगर ब्लेड की अलग अलग पोजीशन है, इसलिए पांच पोजीशन मैंने आपको बताई है पिछली स्लाइड में। तो ये पांच पोजीशन आप समझ गए कि ब्लेड को किस पोजीशन में रखना है, ऑब्जेक्ट को कट करना है, अगर इतना समझ में आ गया तो मेरे हिसाब से इसके कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें ब्लेड कैसी है, ब्लेड की पोजीशन कैसी, देखिए ब्लेड की पोजीशन है एचपी के पैरेलल और वीपी से परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसी पोजीशन ब्लेड की जिसमें इसका ब्लेड का सरफेस कैसा हो जाए, एचपी के पैरेलल और वीपी के परपेंडिकुलर। तो जब भी ऑब्जेक्ट को कट करूंगा ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन से ही कट होगी, यानी कि देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, कोन लिया है यहाँ पे, और कोन को कैसे काटा है, देखिए बेस के पैरेलल यानी कि एचपी के पैरेलल मैंने काट दिया, यानी कि ब्लेड कैसी रखी मैंने, एचपी के पैरेलल रखी और मैंने कट कर दिया। काटने के बाद क्या करना होगा, ऊपर वाले पोर्शन को हटा देना होगा ऑब्जेक्ट से। जैसे मैंने ऊपर वाले पोर्शन को ऑब्जेक्ट हटा दिया तो ये रिमेनिंग पोर्शन बचा, जनरली इसे कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन कहा जाता है। फिलहाल में आप देखेंगे तो मैंने क्या किया, इसका पहले फ्रंट व्यू तैयार किया, फिर टॉप व्यू तैयार किया, है ना, फिर मैंने क्या कर दिया, इसे काट दिया, क्या कर दिया मैंने, कट कर दिया। तो ये पोर्शन अलग हो जाएगा ऑब्जेक्ट से, ये पोर्शन बचेगा। तो ये इसका फ्रंट व्यू होगा और ये लाइन दिख रही है आपको जिसमें एस लिखा हुआ है, दिस इज सेक्शन लाइन, क्या बोलते हैं, सेक्शन लाइन। देखिए ना सेक्शन प्लेन कैसा है, ये फ्रंट व्यू में आपको सेक्शन प्लेन नजर नहीं आएगा, आपको एज अ लाइन नजर आएगी, तो वही लाइन ये है, दिस इज सेक्शन प्लेन और ये कैसे सेक्शन लाइन, ठीक है ना। आप देखेंगे टॉप व्यू में तो आपको ये जो एरिया नजर आ रहा है इसे कहते हैं कट सेक्शन एरिया, क्या बोलते हैं, कट सेक्शनल एरिया, यानी कटा हुआ हिस्सा यही है। या कह सकते हैं कि आपने जब ब्लेड से इसे काटा, जो रफ सरफेस दिखेगी ना आपको इसके ऊपर जब टच करेंगे तो ये वही सरफेस है, तो कट सेक्शन एरिया यही है। तो ये कट सेक्शन एरिया होगा, ये इसका फ्रंट व्यू होगा, फ्रंट व्यू क्या होगा, ये पोर्शन लाइट बनाएंगे, ये पोर्शन डार्क बनाएंगे, यानी कि जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसे हमको डार्क ड्रॉ करना है। तो ये इसका फ्रंट व्यू होगा, ये इसका फ्रंट व्यू होगा, ये इसका टॉप व्यू होगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट इसका, ये पोर्शन ऑब्जेक्ट का अब नहीं रहेगा। तो आप एक चीज नजर इस पर डालिए कि जब ऊपर से आप देखेंगे टॉप व्यू में तो कट सेक्शन एरिया का दिख रहा है आपको, फ्रंट व्यू में नजर नहीं आएगा। कट सेक्शन एरिया यानी कटा हुआ हिस्सा का नजर आएगा आपको, टॉप व्यू में नजर आएगा, यानी कि जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से आप देखोगे। तो याद रखिए कट सेक्शन एरिया आपको कैसा नजर आ रहा है, एक्चुअल साइज का नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि कटिंग प्लेन मेरा कैसा था, यानी कटर कैसा था, कटर एचपी के पैरेलल था, किसके पैरेलल था, एचपी के पैरेलल, यानी कि अगर कटर मेरा एचपी के पैरेलल होगा तो ऊपर से मैं देखूंगा तो जो कटा हुआ हिस्सा है मुझे एक्चुअल साइज का नजर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, तो ये इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, फ्रंट व्यू आप ऐसे तैयार करेंगे, टॉप व्यू आप ऐसे तैयार करेंगे। सेकेंड जो केस है वो कैसा है, सेक्शन ऑफ सॉलिड्स बाय वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू वीपी, यानी कि इसे कह सकते हैं वर्टिकल सेक्शन प्लेन, यानी कि पिछले केस में क्या था, ये कटिंग ब्लेड कैसी थी, एचपी के पैरेलल थी, वीपी के परपेंडिकुलर थी, अब ये हो गया रिवर्स, उल्टा हो गया इसका, यानी कि ये कटिंग जो ब्लेड है मेरी,
ये कटिंग प्लेन है, ये कैसा है, अब वीपी से पैरेलल हो गया, एसपी से परपेंडिकुलर हो गया। अगर इस पोजीशन में रख के किसी ऑब्जेक्ट को कट करूं तो क्या होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिगर है कोन का। अब मैंने कैसे काटा है इसको, मैंने बिल्कुल बीच में से काट दिया इसको, बिल्कुल सेंटर से काटा है इसको, एपेक्स से ही काट किया बिल्कुल, और इसको बिल्कुल बराबर 200 पर डिवाइड कर दिया। कहीं से भी काट सकते हैं, ऐसी कंडीशन नहीं है कि कहां से काटना है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा कहां से आपको कट करना है। फिलहाल में मैंने कैसे कट किया इसको, बराबर 200 में काट दिया। बराबर 200 में काटने से क्या होगा, ये प्लेन कैसा था, प्लेन आप देख पा रहे हैं वीपी के पैरेलल था, एचपी के परपेंडिकुलर था, यानी कि कटा हुआ हिस्सा आपको कम नजर आएगा जब मैं यहाँ से फ्रंट व्यू देखूंगा उसका, सामने से देखूंगा, और टॉप व्यू मुझे कटा हुआ हिस्सा नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है, मुझे कटा हुआ नजर आ रहा है, इसे कहते हैं कट सेक्शन एरिया। टॉप व्यू में आप देखिए, टॉप व्यू में सर्कल दिखेगा और मैंने बिल्कुल बीच में से इसको कट किया है, ये लाइन नजर आ रही है, ये सेक्शन लाइन कहेंगे, क्या बोलेंगे इसको, सेक्शन लाइन। ठीक है, क्योंकि ऊपर से आप देखोगे तो आपको ये प्लेन तो नजर नहीं आएगा, आपको क्या नजर आएगी, लाइन नजर आएगी, तो ये वही लाइन है, इसे कहेंगे सेक्शन लाइन। ठीक है, तो आप देखेंगे कटा हुआ हिस्सा यानी कट सेक्शन एरिया आपको कहां दिखेगा, फ्रंट व्यू में दिखेगा, इस बार टॉप व्यू में नजर नहीं आएगा, टॉप व्यू में बस सेक्शन लाइन आपको नजर आएगी। अब बात करते हैं कटा हुआ हिस्सा आपको नजर आ रहा है, क्या वो साइज इसका सही है या छोटा नजर आ रहा है। अगर कटिंग ब्लेड आपकी वीपी के पैरेलल है तो फ्रंट व्यू में आपको इसका कटा हुआ हिस्सा एक्चुअल साइज का नजर आएगा, ये हमेशा ऐसा ही होगा चाहे वो कोई सही प्रॉब्लम हो। मगर बात करें पीछे वाले केस की, जो पीछे वाला केस था आपने यहां देखा, अभी मैंने कैसे कट किया था इसको, एचपी के पैरेलल कट किया था, तब भी क्या होगा, ऊपर से नीचे देखने पर टॉप व्यू में मुझे कट सेक्शन एरिया एक्चुअल नजर आएगा। यानी कि ये समझ लीजिए, पहला केस में और दूसरे केस में, दोनों केस में आपको जो कट सेक्शन एरिया नजर आएगा वो कट सेक्शन एरिया एक्चुअल नजर आएगा, चाहे वो आपको टॉप व्यू में नजर आ रहा हो चाहे फ्रंट व्यू में। इसमें क्या नजर आएगा, टॉप व्यू में नजर आएगा कट सेक्शन एरिया, यहाँ पे क्या नजर आएगा, फ्रंट व्यू में नजर आएगा, मगर दोनों के दोनों कट सेक्शन एरिया एक्चुअल कट सेक्शन एरिया के बराबर है। बात करते हैं अगले कंडीशन की, तो कंडीशन नंबर थ्री आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, सेक्शनिंग कैसे होगी, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन से होगी, यानी कि ये प्लेन होगा एचपी से किसी एंगल पे होगा, या फिर कह सकते हैं एचपी से इंक्लाइंड होगा और वीपी से होगा परपेंडिकुलर। तो अगर ऐसा होता है, कटिंग प्लेन यानी कटिंग ब्लेड मेरी कैसी हो, एचपी से किसी एंगल पे हो और वीपी से परपेंडिकुलर हो, तो उसे कहा जाता है ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। क्या कहा जाता है उसको, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, दो तरीके से एग्जाम में आ सकता है, अगर डायरेक्टली बोल दे ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन समझ जाना, कटिंग प्लेन क्या है, एचपी से किसी एंगल पर है और वीपी से परपेंडिकुलर, या भी ये भी बोल सकता है आपसे ये जो कटिंग प्लेन है वो एचपी से किसी एंगल पर है, इंक्लाइंड टू एचपी है और वीपी से परपेंडिकुलर, तो समझ जाना ये केस कौन सा है, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन का है। इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कट करेंगे, कैसे कट करेंगे, देखिए ये कौन है, आप देख रहे हैं ये कौन है, मैंने कैसे कट किया इसको, कटिंग प्लेन देखिए यहाँ पे, आप फ्रंट व्यू में देखेंगे प्लेन दिखेगा आपको, बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको, लाइन नजर आएगी, तो ये वही लाइन है, इसे कहेंगे सेक्शन लाइन। तो सेक्शन लाइन कैसी है, एचपी से किसी एंगल पर है, जनरली इसमें दिया हुआ तो नहीं है, आप ले सकते हैं कि ये 30 डिग्री के आसपास लग रहा है मुझे, तो 30 डिग्री के आसपास ये एंगल से मैंने इसे कट कर दिया, यानी कि थीटा कितना था, 30 डिग्री था, मैंने किसी हाइट पे गया जो क्वेश्चन में अवेलेबल होगी, ऐसे दिया हुआ इसकी हाइट, ऊपर से कितना हाइट लेना है अपन को, 35 लेना है, फिर यहां से कट कर देना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन में आप बारीकी समझेंगे, प्लान में समझ लीजिए कि व्यूज कैसे मिल रहे हैं इसके अपन को। तो फ्रंट व्यू आपको नजर आएगा, तो ये हिस्सा तो ऑब्जेक्ट का कट के अलग हो गया, यानी कि ये हिस्सा बचेगा, तो फ्रंट व्यू में इतना ही पोर्शन बनेगा। टॉप व्यू देखेंगे, टॉप व्यू में आपको एक ये हिस्सा नजर आ रहा है, ये इसका कट सेक्शन एरिया, ये भी कैसे बनाएंगे क्वेश्चन में समझेंगे, अभी सब समझने की आपको जरूरत नहीं, मगर आपको समझना है कि व्यूज कैसे मिलेंगे। तो कटा हुआ हिस्सा आपको ऊपर से नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने किसी एंगल से इसे काटा था, इसलिए इस तरह से नजर आ रहा है ये। ठीक है, ऊपर से आप देखेंगे इसी ऑब्जेक्ट को, तो आपको ये नजर आएगा एज अ टॉप व्यू। अब बात करते हैं जो कट सेक्शन एरिया नजर आ रहा है आपको टॉप व्यू में, क्या वो कट सेक्शन एरिया एक्चुअल कट सेक्शन एरिया के बराबर है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए कटिंग प्लेन कैसा है, कटिंग प्लेन एचपी से इंक्लाइंड है, कैसा है, एचपी से इंक्लाइंड, आपको ऑलरेडी पता है ना, प्लेन पढ़ा था आपने, कोई प्लेन अगर एचपी से इंक्लाइंड है, अगर उस प्लेन को टॉप व्यू में देखोगे तो हमेशा वो छोटा नजर आएगा, यही कारण है कि कट सेक्शन एरिया भी आपको यहाँ पे छोटा नजर आएगा। तो कट सेक्शन एरिया छोटा नजर आएगा तो एक्चुअल में कट सेक्शन क्या है, एरिया क्या है, वो भी आपको निकालना पड़ेगा ड्रॉइंग के दौरान, उसे कहा जाता है ट्रू शेप, या कह सकते हैं ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन, यानी कि जब सेक्शनिंग की उसका एक्चुअल आकार क्या था, कट सेक्शन एरिया वो आपको निकालना होगा, इसे कहा जाता है ट्रू शेप, कहा जाता है या ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन ये भी कहा जाता है। तो ट्रू शेप क्या है, ये ट्रू शेप देखिए ना, फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाने के बाद भी मैंने इसे अलग से बनाया, तो आप ऐसा बना लें तो यहाँ से ट्रू शेप मिल जाएगा, या फिर इसका साइड व्यू बना लें,
यानी कि इस तरफ से आप देखेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू देखेंगे तो वहां से आपको ये साफ साफ नजर आएगा, तो वहां से आपका इसका एक्चुअल कट सेक्शन एरिया मिल जाएगा। वैसे एक कट सेक्शन एरिया बनाने का तरीका तो यही है, वैसे ही आपको बनाना चाहिए, वैसे ही आप बनाएंगे। वैसे ये कट सेक्शन एरिया आपको साइड व्यू में नजर नहीं आएगा, एक्चुअली आपको इसके परपेंडिकुलर ऊपर देखना होगा। तो आई एम सॉरी, छोटा सा मैं करेक्शन करता हूँ यहाँ पे, जब मैं सामने से बिल्कुल यहाँ से ऊपर से मैं देखूंगा इसको, तब मुझे कट सेक्शन एरिया नजर आएगा, यानी कि इस सेक्शन लाइन के परपेंडिकुलर में ऊपर से देखूंगा तब मुझे कट सेक्शन एरिया एक्चुअल नजर आएगा, साइड व्यू से भी नहीं आएगा। तो सॉरी फॉर दैट, तो ये आपको साइड व्यू जरूर दिख रहा है मगर ये एक्चुअल कट सेक्शन एरिया नहीं है। तो कट सेक्शन एरिया आप कैसे बनाएंगे ये क्वेश्चन में समझेंगे, मगर आप समझ लीजिए ऑक्सर इंक्लाइंड प्लेन में, यानी कि जब कटिंग प्लेन कैसा हो, एचपी से इंक्लाइंड हो, वीपी से परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में कभी भी आपको टॉप व्यू में कट सेक्शन एरिया एक्चुअल साइज का नजर नहीं आएगा। तो हमेशा उस प्रॉब्लम में आपको ट्रू शेप अलग से बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना है ये प्रॉब्लम में अपन समझेंगे। अगला केस समझते हैं, अगली पोजिशन कटिंग की, ये है सेक्शन ऑफ सॉलिड्स बाय ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन्स, यानी कि ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, यानी कि इसमें क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्टिकली प्लेन कब बोलेंगे, जब कटिंग प्लेन यानी कटिंग ब्लेड कैसी होगी, ये होगी वीपी से किसी एंगल पर, यानी कि वीपी से इंक्लाइंड होगी और एचपी के परपेंडिकुलर होगी, जो अपन ने पढ़ा था ना थर्ड नंबर, उसका अपोजिट है ये फोर्थ नंबर, इस तरह से समझ सकते हैं। ये मेरा कटिंग ब्लेड है, ये कटिंग प्लेन है, तो देखिए ऑब्जेक्ट है, मैंने टॉप व्यू में देखिए सेक्शनिंग कहाँ होगी, देखिए यहाँ पे सेक्शनिंग कहाँ है, फ्रंट व्यू में थी, क्योंकि फ्रंट व्यू में आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइन नजर आएगी, प्लेन नजर नहीं आएगा, ओके। मगर यहाँ पे आप फोर्थ केस में देखेंगे तो ये ऊपर से आपको लाइन नजर आएगी, फ्रंट में तो आपको प्लेन नजर आएगा। तो कटिंग कहाँ करनी है मुझे, टॉप व्यू में करनी है, ना कि फ्रंट व्यू में। पिछली बार कहाँ की थी अपन ने, देखिए यहाँ पे फ्रंट व्यू में कटिंग की थी, यहाँ पे कटिंग करनी है मुझे हमेशा टॉप व्यू में करनी है, तो इसलिए यहाँ पे सेक्शनिंग कहाँ से की गई है, टॉप व्यू में की गई है, क्योंकि ऊपर देखने पर मुझे सेक्शन लाइन नजर आएगी, सामने से तो मुझे प्लेन नजर आ रहा है, तो फ्रंट व्यू में मुझे यहाँ कटिंग नहीं करनी है, कटिंग करनी मुझे टॉप व्यू में करनी है। तो टॉप व्यू ड्रॉ किया कौन का मैंने, ये फ्रंट व्यू था, टॉप व्यू था, यहाँ से कटा, कट कर दिया, सेक्शनिंग कर दी, सेक्शनिंग करने के बाद मैंने कट सेक्शन एरिया ड्रॉ किया बाय हैशिंग लाइंस। मगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फ्रंट व्यू में जब आप देखेंगे तो ये एरिया मुझे एक्चुअल नजर नहीं आ रहा है, एक्चुअल आ रहा है क्या, एक्चुअल में कट सेक्शन एरिया तो बड़ा था, ये मुझे फ्रंट व्यू में छोटा नजर आ रहा है, क्यों नजर आ रहा है, वही कॉन्सेप्ट है, जैसे कि कोई प्लेन है और ये वीपी से इंक्लाइंड है, एचपी के परपेंडिकुलर है, तो आप देखेंगे फ्रंट व्यू में आप जो प्लेन देखेंगे वो मुझे वीपी में नजर आएगा मगर उसका साइज छोटा हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है, क्योंकि प्लेन की पोजीशन कैसी थी, वीपी से इंक्लाइंड थी और एचपी के परपेंडिकुलर, यानी कि मुझे कटिंग करने के बाद जो कट सेक्शन एरिया नजर आएगा वो मुझे छोटा मिलेगा और मुझे एक्चुअल कट सेक्शन एरिया निकालना ही है। पहले वाले सेकेंड वाले केस में क्या था, कट सेक्शन एरिया जो मिल रहा था वही एक्चुअल था, तो वहां पे ट्रू शेप हमने अलग से नहीं बनाया। मगर थर्ड फोर्थ में ऐसा नहीं है, जो कट सेक्शन एरिया मिल रहा है मुझे मगर वो छोटा मिल रहा है, इसलिए अलग से बनाना पड़ रहा है कट सेक्शन एरिया, यानी कि ट्रू शेप मुझे अलग से निकालना पड़ रहा है। तो इसमें भी ट्रू शेप मुझे अलग से बनाना पड़ेगा, इसके भी मार्क्स हैं। तो अभी यहाँ बता देता हूँ, कट सेक्शन एरिया लगभग ऐसा होगा, जो मैं जैसे यहाँ मेथड अपन ने यूज की थी वैसे ही मेथड अब यहाँ यूज करेंगे और यहाँ पे कट सेक्शन एरिया आपको एक्चुअल मिल जाएगा। तो याद रखिए, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन और ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन में दोनों केस में हमेशा कट सेक्शन एरिया आपको नजर नहीं आएगा, फ्रंट या टॉप व्यू में आपको हमेशा वहां पे ट्रू शेप अलग से बनाना है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट केस पे, वैसे एक मेथड और है इसकी मगर वो जनरली आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने पांच मेथड ही सेक्शनिंग की यहाँ पे इंक्लूड की है, ठीक है। पांचवा है सेक्शन ऑफ सॉलिड्स बाय प्रोफाइल प्लेन, यानी कि ऐसा प्लेन जो एचपी वीपी दोनों के परपेंडिकुलर हो। देखिए कटिंग प्लेन कैसा है, ये कटिंग प्लेन कैसा है, वीपी के परपेंडिकुलर है, एचपी के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैंने कोण लिया, अब ये कौन सा व्यू, एरो देखिए, ये राइट हैंड साइड व्यू जो लेफ्ट में बनेगा, है ना। अब इस पे फोकस मत कीजिए, अभी इस पे फोकस कीजिए, ये अपना फ्रंट व्यू था, ये टॉप व्यू था, फ्रंट व्यू में कोण कैसे दिखेगा, टॉप व्यू में सर्कल दिखेगा। अब मैंने इसको यहां से कट किया, कहीं से भी कट कर सकते, मैंने यहां से कट किया, ये कट कैसे किया देखिए, फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखेगा, लाइन दिखेगी, टॉप व्यू में क्या दिखेगी, लाइन दिखेगी, यानी कि फ्रंट और टॉप व्यू में आपको कटिंग प्लेन नजर नहीं आएगा, कटिंग लाइन नजर आएगी, यानी कि सेक्शन लाइन नजर आएगी। तो ये रेड लाइन से जो दिख रही है वो सेक्शन लाइन है, मैंने इसे कट किया, यहां से कट किया, यहां से कट किया, ठीक है। अब देखेंगे फ्रंट और टॉप व्यू, तो फ्रंट में टॉप व्यू में दोनों में भी आपको कट सेक्शन एरिया नजर नहीं आ रहा है, कट सेक्शन एरिया दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, क्योंकि कटिंग प्लेन कैसा है, अभी एचपी दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी कि साइड व्यू देखूंगा ना मैं, इस साइड देखूंगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो मुझे कट सेक्शन एरिया नजर नहीं आएगा, इसलिए मुझे यहां से इस प्रॉब्लम में मुझे
राइट हैंड साइड व्यू देखना है, यानी कि राइट से इस ऑब्जेक्ट को देखना है, तभी मुझे कटा हुआ ऐसा नजर आएगा। यहां से देखिएगा, क्या देखिए, यहां से कटा हुआ ऐसा नजर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड साइड व्यू से नहीं आएगा, तो मुझे राइट हैंड साइड व्यू बनाना है जो फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनता है हमेशा। यानी कि ये जो फिगर बना है इसलिए फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बना हुआ है, तो मैं यहां से देखूंगा इसको, कट सेक्शन एरिया नजर आएगा। तो ये जो ड्रॉ करूं कट सेक्शन एरिया, यानी कि ये कटा हुआ ऐसा नजर आ रहा है, ये एक्चुअल साइज का मुझे नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि कटिंग प्लेन यहाँ पे देखिए कैसी पोजिशन है, ये वीपी के पैरेलल है ना, पैरेलल ना, सॉरी, ये लाइन कैसी है अभी, पैरेलल है वीपी के। यानी कि कटिंग लाइन कैसी है, कटिंग सेक्शन कैसी है, सेक्शन कैसी है, वीपी के परपेंडिकुलर है। सचिन ये प्लेन कैसा है, वीपी के परपेंडिकुलर, एचपी के परपेंडिकुलर। यानी कि यहां से मैं साइड व्यू देखूंगा, राइट हैंड साइड व्यू देखूंगा, तो जो मुझे कट सेक्शन एरिया नजर आएगा वो एक्चुअल होगा। यानी कि मुझे यहाँ पे साइड व्यू बनाना होगा इस प्रॉब्लम में, और मुझे अलग से कट सेक्शन एरिया ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पांचों केसेस मैंने बताए हैं, अलग अलग पोजिशन है ब्लेड की, यानी कि कटिंग प्लेन की अलग पोजिशन है। इन पोजिशन से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आई थिंक आपको सारी पोजिशन समझ में आ गई होंगी। अगर ये पोजिशन आपको समझ में आ गई, मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने इस टॉपिक में। तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। ये लेक्चर कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और बहुत सारे वीडियोज में इसमें अपलोड करने वाला हूँ। तो वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।